चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पश्चिम बंगाल में 8 और असम में 3 चरण में होगा मतदान। केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक दौर में होगी वोटिंग। सभी राज्यों में 2 मई को मतगणना। तारीखों की घोषणा के साथ चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के पालन के साथ होंगे चुनाव। 1 घंटा बढ़ाया गया मतदान का समय। सभी चुनाव कर्मचारियों का होगा टीकाकरण। मंदी से बाहर निकली भारतीय अर्थव्यवस्था। दिसंबर तिमाही में जीडीपी में 0.4% की वृद्धि। कोरोना संकट की वजह से पिछली 2 तिमाहियों में 0 से नीचे रही थी आर्थिक विकास दर। और वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में तेज गति से बढ़ रहा है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जमाकर्ताओं और निवेशकों का विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शीतकालीन खेलो इंडिया का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को दिया गया खास महत्व। युवा खिलाड़ियों को बताया आत्मनिर्भर भारत का ब्रांड एम्बेसडर। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और एक